हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम मज़ेदार होंगे, एकदम अच्छे हेल्थ में होंगे। आज के वीडियो में ना मैं कुछ अपने घर के जो मैंने पहले DIYs बनाए थे उनको थोड़ा अपग्रेड करूंगी। एक क्विक सा होम डेकोर शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अलॉन्ग विद सम अमेजिंग रेसिपीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेंटिंग आपने काफ़ी बार देखी है, लगी ही रहती है वॉल पे मेरे घर पे, बहुत पुरानी है। मैंने आई थिंक ये 3-4 साल पहले बनाई थी। सिंपल व्हाइट कैनवस पे ना बेस पेंट करके ये इस टाइप का आपको स्टेंसिल मिल जाएगा वॉलमार्ट पे, उससे मैंने ये पेंट किया था। ये मैंने स्टिक ऑन मिरर्स मंगवाए थे अमेजोन से। आज मैं इसको यूज़ करते हुए इस पेंटिंग को थोड़ा सा अपग्रेड करूँगी। एक्चुअली ना एक ही पैटर्न, एक ही तरीके की चीज़ लगी लगी घर में ना बोरिंग सी लगने लग जाती है आंखों को ना। वो एकदम एक सा पैटर्न देखने में अच्छा भी नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा इधर उधर कुछ चेंज कर लो अपने घर में तो आपका घर एकदम नया सा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाता है। तो ये बहुत ही इजी पील एंड स्टिक वाले मिरर थे, इनको मैंने इस तरीके से बस अपने दोनों पेंटिंग्स पे लगा दिया। और अभी इन अ मोमेंट दिखाती हूँ कितनी सुंदर मतलब लग रही है पेंटिंग, एकदम अलग सा लुक आ गया। और मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि ये घर में बनाई गई मंडला आर्ट टाइप की लग रही है, इतनी सुंदर लग रही थी बनने के बाद। खैर बाकी तो आप बताना कि कैसी लगी। वैसे भी लगी हुई ये बहुत सुंदर लगती थी, बट मिरर्स लगाने के बाद तो इसका लुक ही एकदम चेंज हो गया। के सारे मोटे मोटे जैकेट्स, मोटे मोटे ब्लैंकेट्स मैं एक एक करके वॉश कर रही हूँ, क्योंकि वेदर ऑलरेडी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। और विंटर की जो भी क्लोथिंग होती है, ब्लैंकेट्स, बेडिंग वगैरह होती है ना, उनको प्रॉपरली आप वॉश करके नेक्स्ट टाइम के लिए स्टोर करना नैप्थलीन बॉल्स के साथ। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही रख दोगे ना तो नेक्स्ट ईयर प्रॉबेबली आपके फिर कपड़ों में आप छेद देखोगे छोटे छोटे, क्योंकि कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। और जब भी मैं गर्म कपड़े वॉश करती हूँ ना अपने, तो मैं ये वूलाइट जरूर यूज करती हूँ। इसमें ना इस टाइप के सैशेस आते हैं, ये आपको अपने ड्रायर में डालना होता है, क्योंकि विंटर के जो कपड़े होते हैं जब आप ड्राई करते हो, स्पेशली US में जो ये ड्रायर्स होते हैं वो हीटेड ड्राई होते हैं, आपको कपड़े बाहर सन में तो सुखाने नहीं होते, तो ड्रायर ही सुखाता है। इतनी ज्यादा हीट की वजह से ना गर्म कपड़े बहुत बार श्रिंक कर जाते हैं, तो ये वूलाइट अगर आप एक ऐड कर दोगे ना तो कपड़े श्रिंक नहीं करते। इसमें ना ऐसे शीट टाइप की होती है, बड़ी अच्छी सी सेंट भी होती है। एक पूरे लोड के साथ सिर्फ एक सैशे, एक शीट आपको इसमें ऐड करनी रहती है, और आपके कपड़े एकदम जैसे नेचुरली आप इसके अंदर डालते हो वैसे ही मिलेंगे। और साथ में अच्छे से वॉश करने के बाद नैप्थलीन बॉल्स के साथ स्टोर करो, तो कपड़े बिल्कुल फ्रेश निकलते हैं नेक्स्ट ईयर जब आप निकालोगे। घर डेकोरेट करने की चीजें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और ना बहुत वाइड रेंज में मिल जाती है, तो जो चीजें जैसे आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको जैसी चीज चाहिए वैसे मिल जाएगी। और मुझे ये फ्लावर पॉट ना इतना ज्यादा प्रिटी लगा, ये एकदम रियल फ्लावर्स लग रहे हैं ना। वहां पे इतने सारे थे कल तो मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई, मैंने कम से कम 3-4 उठाए कार्ट में रखे, उसके बाद लगा नहीं यार इससे बेटर ये, इससे बेटर ये, तो फाइनली फिर मैंने ये वाला लिया। आई थिंक ये $17 का था, लेकिन ना इसके फ्लावर्स मुझे काफी ज्यादा रियल लगे। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे बर्ड्स भी हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी फ्लावर्स आने वाले हैं। ये देखो ये रहे छोटे छोटे बर्ड्स। और ना मुझे ऐसे थोड़ा छोटे पॉट में ही कोई चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना अपने इस विंडो में लगाना था। एक्चुअली होता क्या है, ये ना किचन की बाहर साइड की विंडो है, तो जो लोग भी एक्स्ट्रा सामान कुछ भी होता है ना, जैसे अक्सर तो अंशुली यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना सामान रख देते हैं, और ये ना फिर विंडो का ऐसा हो जाता है कि जैसे नहीं होता घर का जंगला जहाँ पे भी कुछ भी आपके हाथ में है वो सामान रख दो, तो मैंने वहां से सारा सामान हटाया, इसको सिंपली डेकोरेट किया है इस फ्लावर पॉट के साथ। और यहाँ पे मेरे पास कुछ कैंडल्स है, सुंदर सुंदर कैंडल्स मैंने रख दी। और ज्यादा यार चीजें चाहिए नहीं होती घर में ना, आप जो चीजें आपके पास है उन्हीं का थोड़ा प्लेसमेंट चेंज कर दो, थोड़ी चीजें चेंज कर दो, इधर उधर कर दो, उसी से घर बहुत अच्छा डेकोरेट हो जाता है।
और ये वाली कैंडल तो ना बाथ एंड बॉडी वर्क्स की है, एकलिप्टस स्नोफॉल। ये मैंने अभी थैंक्सगिविंग के बाद ली थी शायद। इतनी ज्यादा अच्छी है ना, इसको तो खोल के रखो तो वैसे ही इतनी ज्यादा इसकी खुशबू आती है। मुझे ये चॉपिंग बोर्ड बहुत अच्छा लगा कल होम गुड्स पे ना, और मैं हमेशा हैंडल वाले चॉपिंग बोर्ड्स लेती हूँ क्योंकि उठाने में इजी रहता है। कभी आप जब कुक कर रहे हो कुछ उठा के डालना है पॉट में तो हैंडल वाला लेना चाहिए। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी बोर्ड की। मैं आपको अपना पुराना वाला भी दिखाती हूँ। देखो ये भी मैंने होम गुड से ही लिया था, बट मैं यूज करते करते वुड का है, बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है तो इसकी चाहे आप कितनी भी केयर कर लो, जैसे मैं वीक में एक बार इसको अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करके भी रखती हूँ, बट फिर भी हर रोज जब यूज होता है पानी से वॉश होता है तो वुड की क्वालिटी थोड़ी खराब हो ही जाती है। देखो जब इसमें थोड़े से मार्क्स वगैरह आ गए थे तो मैंने सोचा एक स्पेयर में होना चाहिए नया, और ये था $20 का। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा हेवी भी है इससे। एक्चुअली मेन रीजन तो होम गुड्स जाने का था, मुझे ये ड्रॉर ऑर्गेनाइजर लेना था बहुत टाइम से, तो कल मैं फाइनली ये लेकर आई। इसमें सारे स्पून्स फोक वगैरह मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए थे, और जो नए स्पून्स वगैरह हैं मेरे पास वो इस ऑर्गेनाइजर में मैंने रख दिए। वैसे मेरी फैमिली के लिए तो इतने ही काफी रहते हैं, बट थोड़े एक्स्ट्रा जो थे मेरे पास नए रखे थे वो मैंने पीछे की साइड रख दिए, तो इस तरीके से ये अच्छे से ड्रॉअर ऑर्गेनाइज हो गया। यार होम गुड्स पे ना होम डेकोरेशन से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड बहुत अच्छा सामान मिलता है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जैसे कोई आपको एक यूटेंसिल सिंगल लेना है, पूरा सेट नहीं लेना, तो उनके पास एकदम वाइड रेंज है और अच्छे ब्रांडेड जो कुकवेयर है यूटेंसिल्स है वो वहां पे मिल जाते हैं, और मुझे तो प्राइस भी रीजनेबल लगता है। तो जितनी भी घर की जैसे डेकोरेशन का सामान है, इनफैक्ट जो हमारे घर में कर्टन्स लगे हैं ना, काफी बार उसके लिए क्वेरी आती है, तो वो भी मैंने होम गुड्स से ही लिए थे। हमारे घर के पास ही है टीजे मैक्स एंड होम गुड्स साथ में है, तो काफी सारी शॉपिंग हो जाती है वहां से। जब जाओ तो टीजे मैक्स से थोड़े कपड़े वगैरह भी पसंद आ जाते हैं, तो मैं कल अपने लिए कपड़े भी लेकर आई थी, बट वो अभी मैंने ऊपर रख दिए, कभी फिर दिखा दूंगी। अगर आप लोगों को घर का बना व्हाइट मक्खन खाना पसंद है ना, तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ व्हाइट मक्खन। आप किसी भी ब्रांड की हैवी व्हिपिंग क्रीम ले लो, उससे आप बहुत ही आसानी से व्हाइट मक्खन बना सकते हो। बस ये जो व्हिपिंग क्रीम है ना, रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था मॉर्निंग में ही, और अब मैंने इसको अपने चॉपर में डाला है। बेसिकली इसको फेंटना है, और जैसे जैसे आप फेंटते जाएंगे ना तो आप देखेंगे बटर मिल्क सेपरेट हो जाएगा और मक्खन ऊपर आ जाएगा। देखो कितना अच्छा व्हाइट मक्खन इसमें सेपरेट हो गया। जो यूएस में दूध आता है ना, आप कितने भी अच्छा दूध ले लो, फुल फैट मिल्क में भी मलाई नहीं निकलती। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, मलाई को फेंट के फिर हम इस तरीके का मक्खन बनाते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप इस तरीके से हैवी क्रीम से इस टाइप का मक्खन बना सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। और ये जो बटर मिल्क होता है ना, इसको कभी भी फेंकना मत, क्योंकि बहुत सारे इसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स फैट्स होते हैं। अगर आप किसी दिन कढ़ी बना रहे हो, उसी दिन बटर बना रहे हो, तो आप इसे कढ़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आटा गूंदने के लिए यूज़ कर सकते हो। और आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हो, पूछते हो प्रिया आप इतने सारे काम एक दिन में कैसे कर लेते हो। तो देखो दोस्तों, ये तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अपनी लाइफ में कुछ रूटीन्स बनाओ, रूटीन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। और किसी भी काम को ना, मतलब मन मार के मत करो, कोई भी जब आपको काम करना हो ना तो खुश होकर करो, अरे वाह यार आज मुझे ये काम करना है। और एक टू डू लिस्ट जरूर बनाओ। घर के काम करना भी ना एक प्रोजेक्ट की तरह ही होता है। जब हम एक मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो हम एक टू डू लिस्ट होती है हमारी, हमारे इतने सारे स्क्रम्स होते हैं जो हमारा अपडेट्स लेते हैं। तो घर के सिंपल सिंपल काम के लिए भी आप एक टू डू लिस्ट बना लो, और उस टू डू लिस्ट से जब आप अपने टिक ऑफ करोगे ना काम, आपको एट द एंड ऑफ द डे इतनी खुशी मिलेगी कि यार आज आपने कितने सारे काम कर लिए। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आज आप होम मेकर भी हो तो उसमें प्राइड लो, खुश फील करो, दैट्स हाउ यू विल मेक योर डे प्रोडक्टिव। समवन गॉट अ निंजागो ड्रेस, ओ माय गॉड, इज इट योर ड्रेस? आई विल लुक एट यू। शूज दिखाओ मम्मी को। वॉलमार्ट चाहिए इसकी न्यू ड्रेस। भाई कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, हम लोग एकदम लुटते पिटते रहते हैं, कभी पॉ पेट्रोल, कभी मारियो, कभी क्यों डैडी। हमारे घर में पॉ पेट्रोल से लेकर निंजागो तक अब सब कुछ है ना, सारे कैरेक्टर्स है ना हमारे घर में, एक्सेप्ट मारियो। मारियो भी तो है। ये ना सारी वेजिटेबल्स का मसाला है, इसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, प्याज,
कॉलीफ्लावर, कैबेज सब कुछ ऐड किया था चॉपर में चॉप करके, और जब ये मसाला एकदम ठंडा हो गया था इसके अंदर मैंने आलू मैश कर दिया, बॉइल्ड आलू, जिसकी मैं टिक्कियां बनाने वाली हूँ। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने एक मील प्रेप वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी मैं टिक्कियां बनाती हूँ ना, तो इस टाइप का लजाम बनाती हूँ, और इस पर काफ़ी क्वेरी आई थी। तो थोड़ा सा आपको मैदा लेना है, मैदा को अच्छे से पानी में घोल के इस टाइप का आपको लिक्विड सा टेक्स्चर उसका कर लेना है, ये लजाम की तरह काम करेगा। तो जैसे आप इस टाइप से टिक्कियां बनाएंगे ना, तो पहले टिक्की को आप लजाम में डिप करो, और लजाम थोड़ा गीला सा होगा ना, उसके बाद जब आप इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करोगे तो ब्रेड क्रम्स अच्छे से आपके टिक्की पे चिपक जाएंगे, और फिर जब आप टिक्कियां सेकोगे तो आपकी टिक्कियां एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सिकेंगी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आएगा। इसीलिए हम इस टाइप से लजाम बनाते हैं मैदा को घोल के पानी में। तो देखिए ये होता है प्रोसीजर, मैंने टिक्की बना ली, अब मैं लजाम में इस तरीके से डिप करूँगी, और फिर दूसरे हाथ में लेके इसको मैं ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से डिप करूंगी, और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे हम पूरी टिक्की को, और उसके बाद फिर ना हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट शैलो फ्राई करके भी ये बहुत अच्छे से सिक जाती है, और मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ इन सारी टिक्कियों को सेकने के लिए। ये थोड़ा छोटा छोटा काम है जो एज अ पार्ट ऑफ मील प्रेप मैं करके रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना बर्गर्स खाना सबको बहुत पसंद है, और जब भी मेरे फ्रीजर में ख़त्म होते हैं ये टिक्की मैं बना के रख लेती हूँ, और इसमें बहुत सारी वेजीज चली जाती हैं बच्चों के पेट में। ये देखिए यहाँ पे सारी टिक्कियाँ मैंने बना के रेडी कर ली हैं, और ये इतनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है ना कि बस आपको मैं क्या बताऊँ। देखो पास से वो लजाम से जो आप ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर पेस्ट करते हो ना, इसकी वजह से कुरकुरी बहुत बनती है। बस अब इसे मैं ना अच्छे से ठंडा होने के बाद डीप फ्रीजर में डाल दूंगी, और फिर जब भी यूज़ करना हो आप निकालो और यूज़ कर लो, बढ़िया से बर्गर बना लो या फिर रोल बना लो, मज़ेदार बनते हैं। ना टिक्कियों को इंडिविजुअली इस तरीके से पैक करके जिप लॉक में डाल के आप इसे ना फ्रीजर में रख लो, गुड फॉर 1 to 2 months, इसमें कुछ भी नहीं होगा। एकदम बस मेक श्योर करना जब टिक्कियां ठंडी हो जाए ना, तब आप इसे इस तरीके से पैक करें, और ये बस अब मेरे फ्रीजर में जाने वाला है। दोस्तों अब शाम का टाइम हो गया है, बस मैं अपने घर की दिया बाती लगाती हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, होप करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, बिकॉज वहां पे आपको स्टोरीज में रील्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और फन मिलेगा। तो चलिए फिर से मुलाकात करते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत सारा ध्यान रखो, अपना खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड जस्ट बी हैप्पी विद योर फैमिली, एंड जस्ट टेक प्राइड इन व्हाटएवर यू डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।